नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। बालाघाट जिला चिकित्सालय में सेवा समर्पण रक्तदान समिति द्वारा किया गया रक्तदान। जी हां, आपको बता दें कि जिले में लॉकडाउन के चलते धारा 144 के तहत चिकित्सालय में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को वक्त पर रक्त नहीं मिल पाता। ऐसे में इनकी पूर्ति के लिए सेवा समर्पण समिति द्वारा समय समय पर निस्वार्थ भाव से मानवता के लिए जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क रक्तदान किया जाता है। आप पर्सनली आए हो खुद स्वेच्छा से कि आप किसी समिति के द्वारा आए? समिति के द्वारा आए। आपकी समिति का नाम? युवा समर्पण। युवा समर्पण समिति की माध्यम से आपके साथ और हमारे साथ और चार पांच भाई लोग पूरे परसवाड़ा से ही हो? परसवाड़ा से कुछ लिंगे के हैं, अलग अलग क्षेत्रों से। लेकिन आप युवा समर्पण रक्तदान समिति की ओर से यहाँ पर रक्तदान करने आए? ऐसा है सर। आपका नाम? मेरा नाम गौतम ब्रह्म है और मैं फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट फायरमैन की पोस्ट में हूँ और मैं 7 साल से एक समिति चला रहा हूँ, युवा समर्पण रक्तदान समिति, जिसमें मैं ऐसे पेशेंट जो आर्थिक रूप से जो तंगी रहते हैं, ऐसे पेशेंटों को हम फ्री में ब्लड प्रोवाइड करते हैं। मेरे साथ आज कुछ साथी आए थे, लिंगा से आए थे, पड़सवाड़ा से आए थे और जगह जगह से आते हैं। कब से आप ये समिति का पूरे ये 7 साल हो गए हमको? 2013 से समिति का हमने गठन किया। 2013 से कंटिन्यू निरंतरण हम ये सेवाएं दे रहे हैं और अभी 5-6 दिनों से भी कंटिन्यू हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी हम जिला चिकित्सालय बालाघाट में जो ब्लड की कमी जा रही थी, हम उसको पूरी तरह से पूर्ण करते जा रहे हैं। ऐसा एक भी पेशेंट नहीं है जिनको ब्लड हम नहीं दे पा रहे, दे ही रहे हैं हम कंटिन्यू।